नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के अलर्ट में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस एसआई की वैकेंसी के बारे में। टोटल 9534 पोस्ट हैं, उसके अलावा इसमें हम पूरी की पूरी जानकारी डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी वैकेंसी कितनी होंगी, कैटेगरी वाइज पोस्ट क्या रहने वाली हैं, आपको अप्लाई कैसे करना है, स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट क्या होने वाली है, एज लिमिट की भी इसमें बात करेंगे, कितनी कितनी फ़ीस लगने वाली है और कौन कौन से स्टेट के इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और सिलेबस की भी चर्चा करेंगे। जेंडर दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल। उसके अलावा बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है, तो इसमें तीन पोस्ट हैं। एक तो है सब इंस्पेक्टर की एसआई की, दूसरी है प्लाटून कमांडर की और तीसरी है फायर सर्विस ऑफिस की। उससे पहले आपको बता दूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन उसे भी जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसी की, तो इसमें 9534 पोस्टें हैं। तीन अलग अलग पोस्ट हैं, पहला है सब इंस्पेक्टर एसआई, दूसरा है प्लाटून कमांडर और तीसरा है फायर सर्विस ऑफिसर। इसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है, अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है। जॉब की लोकेशन आपकी यूपी में रहने वाली है, उत्तर प्रदेश में ही। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल यहाँ पर आपकी बहुत अच्छी खासी रहने वाली है और इसकी सारी जानकारी हमने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दी है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से जाकर भी चेक कर सकते हैं। बात करते हैं एज की, तो एज आपकी इसमें मिनिमम 21 चाहिए और मैक्सिमम 28। यदि आप 21 से 28 के बीच में तो अप्लाई कर सकते हैं। और ST SC वालों के लिए 5 साल की छूट रहने वाली है, तो ST और SC में अगर आप 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा फ़ीस की बात करें तो फ़ीस आपकी 400 रुपये रहने वाली है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 400 रुपये इसमें फ़ीस रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका इसमें सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, उसके बाद में मेडिकल होगा और उसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इसके अलावा बात करें आपके फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपके फॉर्म 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक भरे जाने हैं। अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए और ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक, वो सारी की सारी भी हमने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाएँ क्लिक करें। और उसके अलावा आपका कोई भी सुझाव है या आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करें, आपकी जरूर हेल्प की जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।